हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीनित्यास किचन। आज का रेसिपी है ड्रमस्टिक्स और टमाटर करी। तो इसके लिए चाहिए ड्रमस्टिक्स, टमाटो, ऑनियन, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लीव्स, टर्मरिक, सॉल्ट और ये है रेड चिली पाउडर। सिर्फ रेड चिली ही नहीं, ये रेड चिली, ड्राई रेड चिली, क्यूमिन, कोरिएंडर एंड गार्लिक, ये सब ड्राई रोस्ट करके ग्राइंड किया हुआ ये पाउडर। ऑयल तो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले हम एक छोटा सा हंडी ऐसा ये टाइप ले लेते हैं, तो इसमें थोड़ा जल्दी कुक होता। क्वांटिटी कम है तो, क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको बड़ा कढ़ाई या बड़ा हांडी लेना है, या पैन, फ्राइंग नॉन स्टिक पैन कुछ भी आप ले सकते हैं। अभी मैंने गैस ऑन कर दिया, यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया। आप आपके हिसाब से ऑयल ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं स्पाइसी ऑयली खाने के लिए, कम भी ले सकते हैं हेल्दी फूड है तो, थोड़ा कम लेने से ही अच्छा है हेल्दी फूड के लिए। तो मैंने यहाँ मीडियम ऑयल लिया था। ऑयल थोड़ा गर्म हो गया तो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा गर्म होने से ग्रीन चिलीज डालिए, ज़्यादा गर्म हो गया तो ये फटना स्टार्ट करेगा। तो मीडियम और फ्लेम मीडियम में ही रखिए। ये बहुत ही सिंपल सा करी बनाने वाली हूँ मैं। इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, ज़्यादा कुछ मसाला स्पाइसेस ये सब ऐड करने वाली नहीं हूँ। ये बहुत ही सिंपल सा हेल्दी फूड है। अभी मैं ऑनियन भी डाल दिया, तो इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है ट्रांसपेरेंट होने तक। और ऑलवेज मैं सिम में पकाना ही पसंद करती हूँ, तो कुछ अच्छी तरह से बॉयल होता फूड, कोई भी सब्जी अच्छी तरह से पकता है। सिम ले किया तो थोड़ा टाइम लगता, बिल्कुल ही टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सिम से ज़्यादा रख के पका सकते हैं। इसमें मैं इस करी के लिए मैं 3 ड्रम स्टिक्स लिया था, 2 मीडियम साइज़ का ऑनियन और 3 ग्रीन चिलीज लिया था, और टमाटर्स 5 लिया था। आप थोड़ा ज़्यादा टमाटे भी ले सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा सॉल्ट टेस्ट आने के लिए। तो मैं इसमें 5 ही लिया था, वो भी मीडियम साइज़ का। और ज़्यादा आप स्पाइसी, ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा झाल खाना चाहते हैं तो ज़्यादा रेड ग्रीन चिलीज, रेड मिर्ची पाउडर यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो ये अच्छी तरह से फ्राई होना है, उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। और इसको आप और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो अभी मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी समर आ चुका है, साउथ में समर थोड़ा ज़्यादा जल्दी ही आ जाता है, इसलिए अभी मैं इतना मसाला यूज़ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा लाइट सा बना रही हूँ। बीच में मैं थोड़ा सा 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, तो थोड़ा जल्दी एवापोरेट हो जाता ऑनियन का जो वाटर है, तो थोड़ा जल्दी फ्राई होता है। बाद में फिर से थोड़ा ऐड करूँगी, तो टेस्ट करके भी देखना है। अगर ज़्यादा सॉल्टी चीज़ खाना चाहते हैं तो ज़्यादा सॉल्ट डालना है, अगर आप कम सॉल्ट पसंद करते हैं तो कम सॉल्ट डालना है। ये देखिए हमारा ऑनियन फ्राई हो गया। अभी इसमें हम लोग टमाटोज डाल देंगे। सो दिस आर जूसी टमाटर्स, देखने में भी इतना अच्छा है और स्वाद भी इतना अच्छा है इसका। तो मैंने यहाँ जो क्वांटिटीज डाला है आप आपके हिसाब से डालिए, ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा डालना पड़ता, कम है तो कम। अभी इसमें हम लोग थोड़ा सा टर्मरिक ऐड करेंगे और ढक देंगे। इसमें जो ऑलरेडी इसमें वाटर है वो जूस से ही ये पकेगा। पिंच ऑफ टर्मरिक मैं ऐड कर दिया। अभी इसको मिक्स करके अच्छी तरह से फिर हम इसमें लिड लगा देंगे, तो ये जल्दी भी पक जाएगा। टमाटोज पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत ही फास्टली कुक होता है। हाँ, पहले और एक बात, पहले ही ड्रमस्टिक नहीं डालना है, क्योंकि ये टमाटोज पहले होने के बाद ही ड्रमस्टिक डालना है, नहीं है तो ये सॉर्ट टेस्ट है, सॉर है, तो इसलिए ड्रमस्टिक्स पकने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ये अच्छी तरह से पक जाए तो इसका, इसमें ड्रमस्टिक आप डालते हैं तो वो जूस में ये अच्छा ही पकता है।
तो पहले ही ये टमाटर्स मतलब ड्रमस्टिक पहले डाल के फिर ये टमाटर्स डालते हैं, तो ड्रमस्टिक आप ज़्यादा फ्राई नहीं कर सकते, डालने के बाद ही फिर टमाटर डालते हैं तो वो कच्चा टमाटर रहता तो वो सौड़ने से ये पकने में टाइम लगता। इसका ये अच्छी तरह से टमाटर पक जाता है तो उसमें ड्रमस्टिक अच्छी तरह से पकता है, जल्दी पक जाता है। और एक बात है, ये टमाटर डालने के बाद मतलब ये पकने के बाद ही ड्रमस्टिक डालते हैं तो वो टमाटर का जूसेस पूरा सोख करता है ड्रमस्टिक्स, तो पूरा टेस्ट ड्रमस्टिक्स में मिलता है। तो कुछ देर के लिए ये ढक देते हैं तो जल्दी हो जाता है। ये देखिए हमारा टमाटर पक गया है, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना है ढक के, ये पक गया है। अभी इसमें हम ड्रमस्टिक डाल देंगे, उसके बाद वाटर ऐड करेंगे। तो मैंने ड्रमस्टिक डाल दिया, अब इसको मिक्स कीजिए। अभी इसमें थोड़ा वाटर ऐड करके फिर सॉल्ट और मिर्ची का जो पाउडर मैं बनाई थी वो भी ऐड कर देंगे। इसमें मैं 2 ग्लास वाटर ऐड करने वाली हूँ, तो इसमें आप 1.5 वाटर भी ऐड कर सकते हैं करके। अभी इसमें हम सॉल्ट ऐड करेंगे, फिर से 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया और मिर्ची पाउडर 3/4 टेबल स्पून ऐड किया। आपको ज़्यादा झाल खाना है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिला दीजिए और ढक दीजिए कुछ देर के लिए, बीच बीच में ओपन करके देखना है कि ड्रमस्टिक, अभी ये ड्रमस्टिक का कलर चेंज हो जाएगा, इतना ग्रीनिश नहीं रहता। इसको हम ढक रहे हैं, कुछ देर के बाद फिर से ओपन करके देखेंगे। और गैस भी लो फ्लेम में ही रखे हैं, बीच बीच में ओपन करके ऐसे थोड़ा मिला देना है और देखना है। ये देखिए कलर अभी तक चेंज नहीं हुआ, तो और ज़्यादा पकना है ये। आप सीम से थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं फ्लेम, लेकिन मैक्सिमम मत करना, मैक्सिमम में डालने से क्या होता वो टमाटर जल्दी जल जाता है। ये देखिए मैं अभी लिड ओपन किया था, ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया ड्रमस्टिक्स का, और अच्छा खुशबू भी आ रहा है, ग्रेवी भी अच्छा है, ये ऑयल छोड़ना भी स्टार्ट किया, मतलब करी हो गया है, करी बन के तैयार। अभी इसको सर्विंग बोल में डालना है। ये देखिए हमारा करी रेडी है, मैं टेस्ट करके भी देखा था सॉल्ट बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कम सॉल्ट लगता है तो बाद में थोड़ा डाल के और थोड़ा मिला लीजिए गरम गरम में, ऐसे आप सर्व कर सकते हैं इसको। और लास्ट में मैं कोरिएंडर लीव्स डाली थी गार्निशिंग के लिए। इट्स अ वेरी सिंपल करी रेसिपी, पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन बिल भी प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा नया नया रेसिपीज आने वाला है। ओके, तो आज के लिए यहाँ तक, बाय फ्रेंड्स।